आपका एमएससी बीएससी है आपकी, बीएससी आपने केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी पढ़ी है, केमिस्ट्री बॉटनी आपकी जूलॉजी, ये हो गया आपका साइंस मेजर, आपका सब्जेक्ट बन गया मेजर। इससे आप सीधे टीजीटी के लिए एलिजिबल हो गवर्नमेंट जॉब के लिए। और जूलॉजी जहाँ बॉटनी के बेस पर आपका लाइफ साइंस बन गया, तो ये आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन है। आप कह रहे हो कि 3 साल ही पढ़े हैं, आपका साइंस और लाइफ साइंस और साइंस और फिजिकल साइंस, ये आपका बन रहा है मेजर, बेस्ट कॉम्बिनेशन। यहाँ पर साइंस मेजर है, यहाँ भी साइंस मेजर है। फिजिकल साइंस के लिए आपको एमएससी करनी होगी, उसके बाद आप पीजीटी के लिए एलिजिबल होगे फिजिकल साइंस की। अगर लाइफ साइंस करते हो, लाइफ साइंस में करनी पड़ेगी आपको पोस्ट ग्रेजुएशन, तो फिर आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब आप जैसे आपने केमिस्ट्री तो सच में की है ना, तो केमिस्ट्री की है तो बेस्ट ये आपके लिए है, सॉरी बेस्ट यही है, इसी को प्रेफर करना। एमएससी है ये, लाइफ साइंस को भूल जाओ, ये और कोई भूल जाओ, आप इस ऐसे करके आप फिजिकल साइंस के साथ ही एलिजिबल हो। तो ये आपने कहा है कि सर मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बनूंगा, टीजीटी पीजीटी ली सही होवे, इंग्लिश 1 ईयर है, तो इंग्लिश को मत प्रेफर करो, आप इसको प्रेफर करो। अगर लैंग्वेज में जाना चाहते हो फिर साइंस के साथ इंग्लिश लो, लेकिन आपका बेनिफिट केमिस्ट्री का फिर मारा जाएगा। केमिस्ट्री के बेनिफिट ये आपको फिजिकल साइंस देगी, पीजीटी के लिए आप डायरेक्ट एलिजिबल हो। दैट इज वाई इसी को प्रेफर आप कीजिए। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन, और सॉरी कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम। सर मैं बीएससी ऑनर मैथमेटिक्स कीती है। ऑनर का एक ही रूल बना है, जिस में ऑनर है वही आपका मेजर सब्जेक्ट बनेगा। सो मैथ आपका मेजर सब्जेक्ट बन गया, और 1 साल जो आपने पढ़ा है वो आपका माइनर सब्जेक्ट बनेगा। सर मार्क्स फिल करने हैं उत्थे कोर्स सिलेक्ट ऑनर है कीती है, पर जिथे मार्क्स फिल करना है उत्थे कोर्स सिलेक्ट ऑप्शन विच ऑप्शन नहीं आ रही, सो मैं की चूज करा। नहीं इदा नहीं होएगा, तुसी मैथ्स ही फिल करना है। ये प्रॉब्लम है तो मैं देख लेना है, दोबारा तुसी दस्यो, शायद सॉल्व हो भी गई होगी, वेट करो। मैथ्स ही फिल करना है, माइनर तुहानू लैंग्वेज ही कोई लेनी पएगी, इंग्लिश या पंजाबी जिहड़ी भी तुसी 1 साल 1 ईयर पढ़ी है, रूल ए है। नेक्स्ट है सर प्लीज़ ग्रेजुएशन दे मार्क्स से लास्ट सेम दे फिल करने हैं, नाले सब्जेक्ट भी प्लीज़ दस दो। मैनू गल नहीं समझ आई सर, प्लीज़ ग्रेजुएशन दे मार्क्स स्ट्रिंग लास्ट फिल करने हैं। नहीं मैनू समझ नहीं आई क्वेश्चन तुहाडा, दोबारा क्लियर करके पुछो तुसी। सर मेरा इलेक्टिव इंग्लिश पॉलिटिकल साइंस फाइन आर्ट्स है, इस विच पढ़िया है 3 साल इंग्लिश ऑनर 2 ईयर। सर मेरा कॉम्बीनेशन का प्लीज़ दस दो। तो मैंने पहला भी मैसेज किया सी, तुसी रिप्लाई नहीं किया, मैं हूँ रिप्लाई करन लगा। हाँ सर मेरा इलेक्टिव इंग्लिश है, ये नहीं छड़ना माइनर, ये माइनर माइनर मतलब तुसी टीजीटी लिए एलिजिबल हो। डरना नहीं है कि माइनर है, माइनर तुहाडा मेजर दे बराबर इक्वल है, क्योंकि टीजीटी लिए एलिजिबल है, कोई एडिशनल सब्जेक्ट तुहानू नहीं देना पड़ेगा। जड़ा है हुण मेजर केड़ा लेना है, जे तो तुसी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी च हो, GNDU च हो, फिर पोलिटिकल साइंस का तुहानू पॉल साइंस ही लेना पड़ेगा। ओके दूसरा मेजर सब्जेक्ट तुसी लै सकते हो फाइन आर्ट्स, फाइन आर्ट्स। सो तुहाडा गुरु नानक च बनिया है पोलिटिकल साइंस एंड इंग्लिश, फाइन आर्ट्स एंड इंग्लिश। हुण ये तुसी देखना है कि पीएस टेट भी इन्हों का वक्रा हों, साइंस का वक्रा हों, सोशल साइंस का वक्रा है, फाइन आर्ट्स का वक्रा है, वो कंपीट करना है 60 क्वेश्चन, वो 60 चो 45 तो सब्जेक्ट के क्वेश्चन होने हैं, 15 क्वेश्चन पैडागोजी ऑफ तो सब्जेक्ट के क्वेश्चन होने हैं, जिमें असी आप टीचिंग पोटेंशियल पढ़िया सी। उस तो बाद 150 सिलेक्शन टेस्ट होना गवर्नमेंट जॉब लई। सो जिदी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, ये पक्का हो गया, इन्हों दोनों चो ज़्यादा कॉन्फिडेंट जित फील करते हो वो फिल कर दो। जे तुसी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला हो जां चंडीगढ़ विच हो, इन्हों दोनों यूनिवर्सिटी पोलिटिकल साइंस की जगह तुसी SST लै सकते हो। एडिशनल BA का फिर देना पैना है, वो हिस्ट्री तुसी दे देना नाल नाल, ठीक, फिर SST लई एलिजिबल बन जाओगे। नेक्स्ट है सर मैंने BA पंजाबी लिटरेचर पोलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी की है, तो सर SST पंजाबी मेजर माइनर बंदे ने, मैं BEd पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला तो करनी है, प्लीज़ रिप्लाई। बिल्कुल राजे तुहानू सारा पता है, कोई गाइडेंस की जरूरत नहीं बची।
ਇਹ ਦੋ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਸਐਸਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਐਸਐਸਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਜੀਟੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ ਕੋਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੀਜੀਟੀ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਸੋ ਜੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਜਰ ਸੋਰੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਬਜੈਕਟ ਬੀ ਏ ਦਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਸਰ ਮੇਰੇ 77 ਐਸ ਸੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਮੇਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਬੀ ਏ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਇਲੈਕਟਿਵ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਟੱਡੀ ਇੱਕ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਰੀ ਇੱਕ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਟੱਡੀ ਜੋ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ 7 ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਟੱਡੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਇਸ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀ ਐਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬੀ ਐਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀ ਜੀ ਟੀ ਲਈ ਜੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸਬਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਬੀ ਏ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਇਸ ਲਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਬੈਟਰ ਹੈ ਸੋਸ਼ੋਲੋਜੀ ਹੈ ਪਰ ਸਕੂਲ ਸਬਜੈਕਟ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੋ ਪਬਲਿਕ ਐਡ ਹੈ ਔਰ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਇਹ 7 ਸਾਇੰਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸ ਐਸ ਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਐਸ ਐਸ ਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਇਲੈਕਟਿਵ ਪੰਜਾਬੀ ਸੋ ਬੈਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਟੀ ਜੀ ਟੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਐਸ ਐਸ ਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਸਰ ਮੈਂ 3 ਈਅਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੈਥ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ 3 ਈਅਰ ਇਹ ਬੀ ਐੱਸ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਮੈਥਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਹ ਰਿਹਾ ਗਿਆ ਮੈਥਸ ਟੀ ਜੀ ਟੀ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਜੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਸੀ ਮੈਥਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੀ ਜੀ ਟੀ ਲਈ ਵੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥਸ ਮੇਜਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇੱਧਰ ਮੈਥਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਟੀ ਜੀ ਟੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ 'ਚ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀ ਜੀ ਟੀ ਬਣੇਗਾ ਆਫਟਰ ਐੱਮ ਏ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਸੋ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਥ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐੱਸ ਐੱਸ ਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਸੋ ਬੈਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮੈਥ ਮੇਜਰ ਸਬਜੈਕਟ ਔਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਸੈਕਿੰਡ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫਸਟ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਲਜ ਅੱਛਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਥਸ ਮਾਈਨਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੀ ਜੀ ਟੀ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਥੈਂਕ ਯੂ